हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं ब्लैक फॉरेस्ट केक की रेसिपी, जो कि बगैर ओवन के हम तैयार करेंगे। तो ये बहुत ही आसान रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, इससे आपको नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 अंडे लेंगे रूम टेम्परेचर पे और उनको अच्छी तरह से हम बीट करेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हम अंडों को अच्छे तरीके से बीट करेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून वेनिला एसेंस। और 1 कप पाउडर्ड शुगर, पीसी हुई चीनी, चीनी को पीस कर ले लिया था, 1 कप पाउडर्ड शुगर डाली है इसमें और इसको डिसॉल्व होने तक अच्छे तक बीट करेंगे। 1/2 कप कुकिंग ऑयल डालेंगे इसमें तो ये देखिए हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे से डिसॉल्व हो चुके हैं। अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। 2 कप मैदा डालेंगे और इसको हम छाननी के ऊपर डालेंगे, इनको हम छान कर डालेंगे। और 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर का डालेंगे, 1/2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा का डालेंगे और 1/3 कप ऑफ कोको पाउडर डालेंगे और इनको सब चीज़ों को अच्छे तरीके से छान लेंगे। इससे ये होगा कि आपका जो केक है वो अच्छे तरीके से फूल जाएगा, मैदे में एयर आ जाएगी और आपका केक बहुत ही अच्छे तरीके से फूल जाएगा। तो अब हम इसको मिक्स कर देंगे। अगर आपको आपका जो बैटर ज़्यादा थिक लग रहा है तो आप इसमें दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा बैटर बहुत ही गाढ़ा है, तो अब हम इसमें डालेंगे दूध। तकरीबन 1 कप दूध लिया है, इसमें से 1/2 डालेंगे और इसको मिक्स करके देखेंगे। अगर आपकी कंसिस्टेंसी सही हो जाती है तो आप इसको 1/2 कप ही डालिए और अगर आपको और ज़रूरत पड़ती है तो आप इसमें पूरा 1 कप मिल्क डाल सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा बैटर हमारा बनकर तैयार हो गया है। और इसी दौरान हम लोग अपना जो पॉट है उसको प्री हीट करने रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। हम जिस भी पतीले में आप केक बनाना चाह रहे हैं उसको 10 से 15 मिनट प्री हीट के लिए रख देंगे, हल्की आंच पर, मीडियम आंच पर हम उसको रखेंगे। तो अब हम इसको डालेंगे केक के बैटर को बेकिंग डिश या कोई भी आप मोल्ड ले सकते हैं, उसमें हम ये डालेंगे। और इस पर हमने बटर पेपर लगाया है ऑयलिंग करके। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप ऑयल लगाकर उस पर मैदे का डस्ट कर दीजिए, तो वो भी आपके लिए बटर पेपर का काम करेगा। और थोड़ा सा इसको टैप टैप करेंगे ताकि इसकी जो एयर है और बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो यहाँ पर हमारा पॉट जो है वो 15 मिनट के लिए प्रीहीट होकर रख दिया था। अब हम इसमें केक रखेंगे और इसको तकरीबन 45 से 50 मिनट बेक करेंगे। तो ये देखिए हमारा केक बहुत ही ज़बरदस्त सा बेक होकर तैयार हो गया है।
और टूथपिक की मदद से हम इसको चेक करेंगे कि ये पूरा तैयार हो गया है या नहीं। तो ये सूखी टूथपिक है, तो इसका मतलब है कि हमारा केक जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको हम निकाल लेंगे और ठंडा होने रखेंगे, और इसी दौरान हम क्रीम व्हिप कर लेंगे। 400 ml व्हिपिंग क्रीम दी है जो बिल्कुल ठंडी है। हमेशा व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करते हुए ध्यान रखिए कि वो बहुत ठंडी होनी चाहिए, और इसे हम 2 मिनट के लिए बीट करेंगे। दो मिनट के बाद अब हम इसमें डालेंगे पाउडर्ड शुगर, पिसी हुई चीनी, और इसको हम हाफ ऑफ करके डालेंगे। और अब हम इसमें बाकी की चीनी भी डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से व्हिप करेंगे। तो ये देखिए हमारी क्रीम जो है बहुत ही ज़बरदस्त सी व्हिप हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी हमारी क्रीम जो है वो व्हिप हुई है। अब हम इसको साइड पर रख देंगे और अब हम केक की तरफ आएंगे, और केक जो है वो हमारा ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसको बाहर निकाल देंगे। और ये देखिए बटर पेपर लगाया था जिस वजह से हमारा केक बहुत ही जल्दी से बाहर आ गया है। अब इस पे से बटर पेपर को उतार लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है हमारे केक का। थोड़े से एयर बबल्स रह गए थे जिस वजह से ये केक थोड़ा सा बबल्स दिख रहे हैं आपको, तो सही से शायद टैप नहीं हुआ था। तो अब हम इसको कट कर लेंगे। तकरीबन 2 पीसेस में हमने इस केक को कट किया है। अब हम फर्स्ट लेयर रखेंगे और इसके ऊपर हम लगा रहे हैं मिल्क। और अब हम इसके ऊपर रखेंगे व्हिप्ड क्रीम, जो हमने व्हिप की थी क्रीम वो उस पर रखेंगे, और इसको हम इस केक के ऊपर अच्छे से फैला देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे चॉकलेट चिप्स। अब हम इसमें डाल रहे हैं ग्रेटेड चॉकलेट, कोई भी चॉकलेट आप ग्रेट करके ले लें और वो इसके ऊपर डालेंगे। और अब हम इसके ऊपर रखेंगे सेकंड लेयर केक की, और इस पर भी हम व्हिप्ड क्रीम लगा देंगे और इसको अच्छे से कवर अप कर देंगे। दूध लगाएंगे और इस पर हम व्हिप्ड क्रीम रखेंगे और इस केक को पूरा कवर अप कर देंगे। तो ये देखिए हमारा केक बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा तैयार हो गया है। अब हम इस पर व्हिप क्रीम की डेकोरेशन करेंगे। आप अपनी मर्जी से जिस तरह की भी डेकोरेशन आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, और इसको डेकोरेट करेंगे। यहाँ पर अब हम इस पर ग्रेटेड चॉकलेट लगाएंगे इसके साइड्स पर,
तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा केक जो है वो लग रहा है। इसके ऊपर हमने बंटीज रखी हैं, आप चेरीज भी रख सकते हैं। तो अब हम इस केक को कट करते हैं और देखते हैं कि कैसा लग रहा है। बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी हमारा केक बना है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारा केक जो है वो लग रहा है। ज़रूर लाइक कर दीजिएगा मेरी रेसिपी को अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।